हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने PWS चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने वीडियो बनाया है उसका नाम है टॉप 10 जर्मन शेपर्ड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने घर में एक नया जर्मन शेपर्ड पपी लाने वाले हैं। अगर आप इन 10 प्रॉब्लम्स को जान जाएंगे तो उसके बाद आपको डिसाइड करने में आसानी होगा कि आपको जर्मन शेपर्ड पपी पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जो 9th और 10th पॉइंट बताया है इस वीडियो में, वो आपको कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही अच्छा गार्ड और वॉचडॉग है, इसलिए इन्हें बेसिक ऑबीडियंट ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन कराना काफ़ी जरूरी है, ताकि जो घर में आपके छोटे बच्चे हों या घर में जब कोई आपके गेस्ट आए तो उन पर अटैक ना करें। सेकंड, इन्हें ट्रेनिंग देना काफ़ी मस्ट है। अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो बाद में आप कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं, जैसे स्टॉप, काम, ले डाउन, ये सब बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आप एक जर्मन शेपर्ड पप्पी को बचपन से ही सोशलाइज करवाएंगे, बच्चों के साथ घुलने मिलने देंगे, दूसरे पेट से मिलने जुलने देंगे, तो उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा, ताकि जब वो किसी दूसरे नए पेट से मिले या घर में जो आपके एग्जिस्टिंग पेट हैं उन पे वो अटैक ना करें, इसलिए सोशलाइजेशन मस्ट है। फ्रेंड्स, सेकंड जो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम्स जर्मन शेपर्ड ऑनर फेस करते हैं वो है वेट गेन। जल्दी उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। उसके पीछे सिंपल सा कारण है, क्योंकि उनका डाइट अच्छा नहीं होता, प्रॉपर डाइट नहीं होता है, और कई बार ऑनर डीवर्मिंग नहीं कराते हैं। तो अगर आप प्रॉपर डाइट देंगे और डीवर्मिंग कराएंगे तो आपके GSD का वेट ठीक ठाक होगा, ठीक ठाक बढ़ेगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि एक पप्पी को और एक एडल्ट डॉग को डीवर्मिंग कैसे कराया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम है हेयर फॉल, यानी कि बाल झड़ना। दोस्तों, अगर आप जर्मन शेपर्ड पालने जा रहे हैं तो मान के चलिए साल में 2 टाइम, ठंड से पहले और गर्मी होने के पहले, आपके घर में चारों तरफ बाल ही बाल नजर आएंगे, अगर आप प्रॉपर कॉम्ब नहीं करते हैं तो। प्लस ऐसे भी आपको डेली बाल झाड़ना पड़ेगा, ताकि उनका हेयर अच्छा रहे, बाल कम गिरे और उनका हेयर फॉल कम से कम हो। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है कि जर्मन शेपर्ड स्मॉल हाउस या फ्लैट के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक जर्मन शेपर्ड पालना चाहते हैं तो आपके पास एक मीडियम साइज का घर होना चाहिए, जिसके आगे या पीछे थोड़ा स्पेस हो, या एक खुला बड़ा घर आपके पास हो, तो ही आप इसे पालें। अदरवाइज अगर आप छोटे घर या फ्लैट में रखेंगे तो डेली आपको मिनिमम 30 मिनट्स के वॉक पे इनको ले जाना पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉब्लम, जर्मन शेपर्ड अकेले नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने ऑनर से या फैमिली से काफ़ी अटैच्ड होते हैं, इसलिए इन्हें अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब करूंगा, घर में छोड़ दूंगा और फिर आके इन्हें खाना दूंगा और खेलूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एडवाइस नहीं है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह का जॉब करते हैं। आपको हमेशा इनके सामने रहना पड़ेगा, ये हमेशा मालिक के सामने अपने ऑनर के साथ रहना चाहते हैं। अगर आप इन्हें अकेले छोड़ेंगे तो ये बोर हो जाएंगे और घर में आपके सामान तोड़फोड़ करेंगे। सिक्स्थ प्रॉब्लम है जर्मन शेपर्ड का स्किन इन्फेक्शन होना। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, यह एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ठीक से इनका ग्रूमिंग नहीं कीजिएगा, इनको ऐसे डाइट दीजिएगा जिनसे इनको एलर्जी है, तो इनका स्किन पूरा ऑल ओवर बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि इनका ग्रूमिंग पे बिल्कुल ध्यान दें, डाइट प्रॉपर दें और कुछ भी ऐसा फूड ना दें जिससे कि इनको एलर्जी होता हो। फ्रेंड्स, सेवन्थ प्रॉब्लम है लेग बेंडिंग। यह खासकर उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो कि अपने जर्मन शेपर्ड को मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैट में रखते हैं या टाइल्स वाले जगहों पर रखते हैं। उनसे क्या होता है, जो उनके कि दो पीछे टांग होते हैं वो फैल जाएंगे, वो बेंड कर जाएंगे और उनको चलने में दिक्कत होगा, और ज़्यादा ओल्ड एज होने पर वो चल फिर भी नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, एट्थ प्रॉब्लम यह है कि इन्हें ज़्यादा सॉफ्ट फूड न दें, मुलायम खाना न दें, अदरवाइज उनसे क्या होगा कि इनके दांत पे एक परत जम जाएगा, टार्टर जम जाएगा, और बाद में वो भूरे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, दांत सड़ करके गिर जाएगा और गम इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में ही आप खाना बना के दें, उसमें आप गाजर मिला सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं या कैबेज दे सकते हैं, ताकि वो जो टार्टर जमा रहेगा वो आस्ते आस्ते वो साफ होकर निकलता रहेगा। और इसके अलावा आप वीक में कम से कम 2 बार तो ब्रश जरूर करें,
ब्रश कैसे करना है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के नीचे दे दी है। फ्रेंड्स, नाइन्थ प्रॉब्लम है हिप डिस्प्लेसिया। फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि डॉग की जो पीछे की लेग होती है हड्डी, वो उतर जाती है, जांघ के नीचे की हड्डी, और उससे क्या होता है डॉग चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण आपको लाइफ लॉन्ग यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और काफ़ी सारे डॉग ऑनर यह फेस कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड, यह हमेशा रिकमेंड किया जाता है जब भी आप डॉग लें, एक जेन्युइन ब्रीडर से लें। असल में होता क्या है, जो बैकयार्ड ब्रीडर होते हैं या जो खराब ब्रीडर होते हैं, वो पैसा बचाने के लिए आपस में ही डॉग का ब्रीडिंग करवाते हैं, सेम जीन्स में, सेम ब्लड लाइन में ही वो ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चे आने वाले होते हैं उनमें यह प्रॉब्लम देखा गया है। फ्रेंड्स, टेंथ प्रॉब्लम में जो बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, यह लोग काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम है लीवर और किडनी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा कमर्शियल फूड देते हैं या ज़्यादा कलेजी खिलाते हैं डॉग को, या ज़्यादा अंडे का पीला भाग खिलाते हैं, या हमेशा नॉनवेज ही खिलाते हैं, और उनका फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो आपको आगे जा करके लीवर और किडनी में पक्का प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए फ्रेंड, हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि डॉग को आप प्रोटीन दें, लेकिन बीच बीच में आप उन्हें वेजिटेरियन खाना भी दें। खासकर हम लोग इंडियन लोग जो होते हैं, हमारे पास जगह कम होती है, डॉग ज़्यादा उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, उनको अपना एनर्जी ज़्यादा बर्स्ट करने के लिए जगह नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें लीवर और किडनी का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला बात, कमर्शियल फूड कम से कम दें, होममेड फूड दें, फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है तो करवाएं, और नहीं तो जो भी आप डाइट दे रहे हैं उसमें आप वेजिटेरियन, जैसे कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, बीन्स हो गया, ये सब आप चिकन में मिला के दें, और चिकन का क्वांटिटी कम कर दें। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आप होममेड आप खाना बना सकते हैं वेजिटेरियन, और इवन अगर आपको नॉनवेज बनाना हो तो कैसे सस्ते में आप बना सकते हैं और एक हेल्दी डाइट अपने को डॉग को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यहाँ आपको दी गई जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।